तो देखिए फ़ोन चालू बिल्कुल हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सैमसंग के किसी भी कीपैड मोबाइल हो इस प्रकार से फ़ोन को चालू कर सकते हैं यानी ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास सैमसंग का कीपैड वाला फ़ोन है और दोस्तों ये फ़ोन चालू नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पावर बटन दबा के रखे हैं फिर भी दोस्तों यह फ़ोन चालू नहीं हो रहा है। तो ये फ़ोन चल रहा था, चलते चलते अपने आप बंद हो गया है और ये चालू नहीं हो रहा है। तो काफ़ी प्रयास हमने किए पावर बटन दबा के, तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल चालू नहीं हो रहा है। तो कैसे चालू करना यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले इस फ़ोन का जो है ढक्कन वो पैनल खोल लेना है इस प्रकार से। तो यहाँ पे बैटरी इसका निकाल लेना है। तो निकालने के बाद दोस्तों मैं आप लोग को बताऊँगा क्या करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी कनेक्टर है और ये जो बैटरी है बिल्कुल सही है लेकिन फिर भी फ़ोन चालू नहीं हो रहा है। तो अगर सही है तो एक नुकीली सा सुई टाइप का कोई भी चीज़ ले लें और इस प्रकार से बैटरी में स्क्रैच कीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट दिखाई दे रहा है जो कि प्लस माइनस पॉइंट है। तो इस दोनों पॉइंट को आपको अच्छी तरह से साफ़ कर देना है, कहीं कार्बन डस्ट जमने के कारण से फ़ोन में सही से कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से नुकीली चीज़ से घसने के बाद बैटरी को फ़ोन में डालिए और फिर से फ़ोन को चालू करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका फ़ोन चालू हो गया होगा दोस्तों तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जिस भाई का नहीं हो रहा है फ़ोन चालू ऐसा करने से, तो उसके लिए मैं अगला ट्रिक बता रहा हूँ। तो सबसे पहला ट्रिक यही करना है और दूसरा ट्रिक आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे फ़ोन की बैटरी को स्क्रैच करने के बाद यहाँ पे फ़ोन की बैटरी को करने के बाद यहाँ पे फ़ोन का जो बैटरी सॉकेट होता है कनेक्टर उसको भी स्क्रैच कर देना है सुई से या नुकीली चीज से। अगर आपके पास ब्लेड है तो ब्लेड पत्ती से आप इसको अच्छी तरह से स्क्रैच साफ कर सकते हैं। कार्बन डस्ट जमने के कारण से बैटरी में फ़ोन आपस में दोनों कनेक्ट सही से नहीं हो पाते हैं जिनसे फ़ोन चालू नहीं होता है। तो ये रहा दूसरा ट्रिक। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरह से सफाई कर दें बैटरी कनेक्टर में। तो करने के बाद फिर से एक बार बैटरी को फ़ोन में डालिए और फ़ोन को चालू करने की कोशिश कीजिए। तो देख सकते हैं फिर भी नहीं हो रहा है। जिन भाई का अगर इस ऐसा करने से स्क्रैच करने से बैटरी कनेक्टर में फ़ोन की, तो कमेंट ज़रूर करके हमें बता दीजिए। जिस भाई का अगर नहीं हुआ तो चलिए मैं फिर से तीसरा ट्रिक मैं आप लोग को बताऊंगा अब क्या करना है अगर ऐसा करने से आपका फ़ोन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इस फ़ोन में आपको क्या करनी है, अगर बैटरी में अगर चार्ज नहीं है तो कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे एक कटा हुआ चार्जर लेना है इस प्रकार से, देख सकते हैं मेरे पास है। तो इसमें LED भी है, इसमें देख सकते हैं लाइट है, लाइट वाला चार्जर है। अगर आपके पास कोई सा भी चार्जर है सही तो इस प्रकार से काट दीजिए। अगर पुराने चार्जर हैं जो कि आपके काम में नहीं आते हैं तो यहाँ पे बैटरी में आपको सटा के रखना है इस प्रकार से, प्लस माइनस देख लेनी है। तो प्लस साइड में है और माइनस उस साइड में है, तो ये रहा प्लस पॉइंट। तो दोनों को अच्छी तरह से यहाँ पे इस प्रकार से दबा देना है जैसे कि मैं दबा रहा हूँ दोस्तों। तो इस प्रकार से दबा देना है, 1 से 2 मिनट आप दबा के रखिए। और यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी में यहाँ पे लाइट नहीं जल रही है, देख सकते हैं चार्जर में भी लाइट बिल्कुल नहीं जल रही है। इसका मतलब बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो चुका है, मतलब 0 पॉइंट से भी 0 यानी कि पूरा ख़त्म हो चुका है इसका पावर। तो पावर इसमें डालने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं इस चार्जर को मैंने लाइन से कनेक्ट कर देता हूँ और देख सकते हैं चार्जर में लाइट जल रहा है। और मैं इसको खोलता हूँ तो देख सकते हैं लाइट अभी भी इसमें नहीं जल रही है, यानी कि बैटरी अभी बिल्कुल बैठा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों चार्जर को कुछ मिनट तक दबा के ही रखें, लगा के रखें ताकि बैटरी में कुछ जान आ जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं बैटरी में जो वायर है चार्जर का वो मैं दबा के रखा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी, तो थोड़ा सा वीडियो में आप लोगों को दिखाई नहीं देता होगा तो चलिए मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे चार्जर को मैं चेक करने के लिए दोनों वायर को सटा रहा हूँ। देख सकते हैं चार्जर का लाइट बंद हो रहा है, यानी कि चार्जर का जो वायर है चार्जर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बैटरी में कुछ मिनट तक दबा के रखूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से मैं कुछ मिनट तक दबा के रखूँगा ताकि बैटरी कुछ चार्ज हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं चार्जर का लाइट थोड़ा कम हो गया है, इसका मतलब बैटरी में जान आ चुका है। तो इस प्रकार से कुछ मिनट दबा के रखिए। तो आप लोग को चार्जर में देखना है डिफरेंट लाइट जल रहा है यहाँ पे, कभी लाइट तेज़ हो रही खोलने के बाद और लगा बैटरी में कनेक्ट करने के बाद लाइट थोड़ा सा कम हो जाते हैं, इसका मतलब बैटरी में अब जान आ चुका है। तो मैं एक बार आप लोग को चार्जर भी खोल के दिखा दूँगा कि बिना लाइन से चार्जर में लाइट अभी जल रहा है कि नहीं जल रहा है बैटरी के द्वारा। तो कुछ मिनट दबा के रखिए दोस्तों, आपको छोड़ना नहीं है, सही तरीक़ा से आप बैटरी में कनेक्ट करके दाब के रखिए, नहीं तो आपका बैटरी चार्ज नहीं होंगे और फ़ोन भी चालू नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं काफ़ी देर तक दबा के रखा हूँ, थोड़ा वीडियो को स्पीड कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो दबाने के बाद यहाँ पे मैं चार्जर को बोर्ड से निकाल लेता हूँ और निकालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस चार्जर में लाइट अभी जल रहा है, पहले नहीं जल रहा था, यानी कि बैटरी मेरा अभी ठीक हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों मेरा बैटरी बिल्कुल सही हो चुका है। अब दोस्तों मैं इस बैटरी को अब फ़ोन में डाल के देखूँगा मेरा फ़ोन चालू होता है या नहीं होता है। तो चलिए मैं हटा देता हूँ, अब मैं फ़ोन में डाल के देखता हूँ चालू होता है या नहीं होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी भी चार्ज, यानी कि अभी भी फ़ोन चालू नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप मैं आप लोग को बता देता हूँ, एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा मैं ले लेता हूँ और लेने के बाद बैटरी के पीछे में मैं डाल देता हूँ इस तरह से। तो डालने के बाद अब मैं इस फ़ोन को चालू करने की कोशिश करूँगा और देखिए चालू होता है या नहीं। तो अच्छी तरह से दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं दोस्तों हल्का सा यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार और मैं बैटरी को स्क्रैच कर देता हूँ। स्क्रैच करने के बाद फिर से इसमें भी थोड़ा सा स्क्रैच कर देता हूँ। अब मैं बैटरी को डाल के देखता हूँ फ़ोन में और फ़ोन चालू होता है या नहीं। तो देखिए फ़ोन चालू बिल्कुल हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सैमसंग के किसी भी कीपैड मोबाइल हो इस प्रकार से फ़ोन को चालू कर सकते हैं, यानी ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इससे भी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।